हमें पिछले 5 महीने से प्राप्त नहीं हुआ है। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि जब फंड आएगा तब मिलेगा, जब फंड आएगा तब मिलेगा, लेकिन हमसे काम पूरा लिया जा रहा है। मतलब धरने का हमको कोई इच्छा नहीं, इच्छा भी नहीं है, लेकिन हमको गवर्नमेंट ने, मतलब हमारे शासन ने हमको मजबूर किया है कि हम धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए। महिलाएं हैं, उनके साथ आए दिन छेड़खानी, धमकी, रेप केस जैसे होते रहते हैं, तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हम रहने तो अभी हम भी आर्थिक और मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारी भी गृहस्थी है। हम किस तरह से हम अपना आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं वो हम ही जानते हैं। ये है कि हम अपने ही पैसों को मांगने के लिए आज रोड पे आ गए हैं। हम लोग नहीं चाहते हड़ताल करने रोड में आए, ताकि किसी मरीज को या किसी भी पब्लिक को परेशानी हो, लेकिन हम लोग मजबूर हो गए। हम लोग को आके यहाँ पर आंदोलन की धमकी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा होता है, मारने की धमकी देते हैं बहुत। मैम बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और की मांगे क्या है? तीन मांग जो जायज, शासन ने खुद घोषणा किया था कि कार्य के अतिरिक्त जो मानदेय इन पर 15 तारीख को मिलना चाहिए, आज दिनांक तक नहीं दे रहे हैं। क्या होगा जब सेवा देने स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारी अगर धरने पे बैठ जाए? धरने पे बैठना कभी डॉक्टर या नर्स का मकसद नहीं होता। जब तक वो मजबूर नहीं होते तब तक किसी धरने में वो शामिल नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़, और इस वक्त हम मौजूद है वो डॉक्टर सिस्टर के साथ जो लोगों को सेवा देकर, जनता की सेवा करके वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो क्या सरकार उनके प्रति कितने वफादार है, कितने ईमानदार है? क्या कारण है कि एक स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी आज यहाँ पर सड़क के बाजू में कुर्सी लेकर धरने पे बैठ गए हैं? क्यों बैठे हैं? इनके बताए मुताबिक 3 सूत्री मांग है। क्यों 3 सूत्री मांग के साथ इन लोग आए हैं, आइए इनकी जुबानी सुनते। जी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम दिव्या सिंह है। हाँ। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी साकरा ब्लॉक पाटन में पदस्थ हूँ, और हम लोग ने आज जो ये धरना दिया है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका हमारा 3 सूत्री मांग है। पहला तो हमारा जो कार्य अवधि का जो हमारा जो PLP बोलते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो सैलरी के अलावा होता है, वो हमें पिछले 5 महीने से प्राप्त नहीं हुआ है। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि जब फंड आएगा तब मिलेगा, जब फंड आएगा तब मिलेगा, लेकिन हमसे काम पूरा लिया जा रहा है, तो वो हमको अभी तक मिला नहीं है। हमें भी बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोग घर से बाहर रहते हैं, दूर हमारे भी खर्चे होते हैं, फैमिली को भी चलाना होता है। दूसरा, हमारे ऊपर लगातार हमारा जो स्वास्थ्य क्वार्टर है, जो स्टाफ क्वार्टर है, वहाँ पे रहने के लिए दबाव बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे बाउंड्री वगैरह नहीं है, घर से दूर है, रहने की सुविधा है, लेकिन CHO बहुत अकेले हो जाते हैं। ऐसे गांव में पदस्थ हैं जहां पे उनका आसपास घर नहीं है, घर से बहुत दूर है, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसे। तो उनके ऊपर एकदम दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि सभी महिलाएं हैं, उनके साथ आए दिन छेड़खानी, धमकी, रेप केस जैसे होते रहते हैं, तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हम रहने को भी तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तीसरा, जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, इसके पहले जो हड़ताल हुआ था उसमें जो हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे सर हैं, अध्यक्ष हैं, पवन कुमार जी ने आवाज उठाया था, तो उनको निकाल दिया गया है। तो हमारी ये भी मांग है कि मतलब जो आवाज उठा रहा है, जो विरोध कर रहा है, आप उसको निकाल रहे हैं, और काम भी आप हमसे ही ले रहे हैं। शासन को ये चीज समझना चाहिए कि काम तो हम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे ही काम का पैसा है, वो हमको वापस मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। तीसरी बात कि अगर कोई ट्रांसफर पॉलिसी चाह रहे हैं, कोई CHO चाह रही है कि वो अपने उसका घर पास में है, वो घर से अप डाउन करे, उसके घर के पास में उसको पोस्टिंग मिल जाए, तो ये भी चीज लागू होनी चाहिए। जी धन्यवाद। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम प्रीति ठाकुर है, मैं चिखली उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को सभी को ज्ञात है कि हमारा 3 सूत्री मांग है, जो कि ये पहला है कि जो हमारा इंसेंटिव जो मिलता है हमको, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, तो वो समय से दिया जाए। शासन हम नहीं देने का क्या कारण बताया जाता है? नहीं देने का कारण अभी तो ये बताया जा रहा है कि फंड नहीं है करके। तो मतलब जब आप हमसे काम ले रहे हो तो आपको फंड तो देना चाहिए, मतलब काम ले रहे हो तो उसका हमको पेमेंट, जो सैलरी है वो तो कम से कम देना चाहिए। आप कब से जॉब कर रहे हैं? मेरे को अभी 3 साल हो गए हैं। तो परमानेंट है ये? नहीं, ये वो है, संविदा वाला है। संविदा वाला, 3 साल के संविदा में है अभी आप? हाँ, अभी ये हमारा 4th साल है, तो ये संविदा में ही है। संविदा रिपीट होता है बार बार? हाँ, ये बार बार रिपीट होता है। अच्छा, जी CMHO से मिले हैं? क्या बोलते हैं? हम लोग ज्ञापन दिए हैं, मतलब बार बार ये उनको बोला जा रहा है कि इससे पहले हम लोग 3 दिन अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग बंद किए थे, कि कम से कम उससे कुछ मतलब उन लोग एक्शन ले करके।
बट उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमको यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। ऐसे मजबूरी तो नहीं आ रही कि मतलब आप लोग जैसे जिस तरह से काम को बंद करके आप लोग यहाँ पर हड़ताल पे, तो आम जनता को जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा? तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि उन पे मतलब कुछ बीते, वही सोच के हम इतने सालों तक अभी चुप थे, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना, क्योंकि हमको भी अपना घर देखना है, परिवार देखना है, हमारे खुद के भी खर्चे हैं, क्योंकि हमको जो सैलरी मिलता है वो सिर्फ हमको 50% मिलता है। अभी क्या सैलरी है? अभी हमारा जो है 16,500 सैलरी है, तो आधा मिलता है उसका। हाँ, उसका ये तो 16,500 मिल रहा है, लेकिन जो 15,000 जो इंसेंटिव है वो 50% उसमें का है ना, जो राज्य सरकार देता है 40% जो है, तो वो तो दे ही नहीं रहे ना हमको। और ये तो हमारे यहाँ तो चलो 4 महीने से, बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तो 1.5 साल से नहीं मिला है, तो ये तो गलत बात है। तो कोई कारण बता दो कि नहीं मिलने का? तो कारण जैसे हम लोग बोलते फंड नहीं आया। हाँ, पूछते हैं, मतलब सवाल का जवाब है कि फंड नहीं आया। फंड नहीं है हमारे पास, ये बोला जाता है। जी, ओके जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूजा पड़ित है। जी पूजा जी, बताएंगे मतलब यहाँ आने से क्या आप लोगों को लगता है धरने पे बैठने से कोई रास्ता निकलेगा? अब हमारे पास और कोई तो जरिया नहीं था, क्योंकि हमने 3 दिन ऑनलाइन काम बंद करके भी देख लिया कि हमारा कुछ जो भी 3 सूत्री मांग के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो पूरा हो, या उसका आश्वासन तो मिले कि हमको वो हमारी मांगे पूरी होगी करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने से हम धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम अब धरना प्रदर्शन करके ही मतलब हमारे सरकार मांगों को हमारी पूरी करने के लिए शासन को, अगर मांग नहीं मानेंगे, क्योंकि 5 महीना आप बता रहे हैं, 5 महीना लेट चल रहा है, अगर अभी भी नहीं माने, आपकी बात नहीं सुने, तब आप क्या करोगे? अभी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ही बैठेंगे, हमारी 3 मांगों को पूरा करना ही होगा शासन को, क्योंकि ये 3 मांग जो है कोई गलत मांग नहीं है, जायज मांग है। हम अपने PLP मांग रहे हैं, जो हमारा कार्य आधारित वेतन है वो मांग रहे हैं, और हमारा जो स्थानांतरण का लाभ मिले, या फिर जो हम हेडक्वार्टर पे रह रहे हैं, तो वो हमको 8 किलोमीटर का जो दायरा है जो प्रशासन ने पहले लागू किया हुआ है, ये कोई अलग चीज नहीं रखे हैं हम, जो लागू है उसी को बोल रहे हैं कि हमको 8 किलोमीटर के दायरे में रहने का परमिशन मिले। आप कभी सोचे थे कि ऐसे धरना करने की जरूरत? नहीं, हम तो कभी सोचे नहीं थे, और हमको चाहना मतलब धरने का हमको कोई इच्छा नहीं, इच्छा भी नहीं है, लेकिन हमको गवर्नमेंट ने मतलब हमारे शासन ने हमको मजबूर किया है कि हम धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए। गुप्ता, मैं करेला उप स्वास्थ्य केंद्र से हूँ, ब्लॉक पाटन से। मैम, हम लोग ने दिसंबर से वेट किया कि अब हम लोगों को PLP मिलेगा, अब मिलेगा, जब देखा गया कि पूछा गया, हमने अपने ब्लॉक में पूछा गया कि हमारा वेट कब मिलेगा मानदेय, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हमारे पास फंड नहीं है। तो अभी हम भी आर्थिक और मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारी भी गृहस्थी है, हम किस तरह से हम अपना आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं वो हम ही जानते हैं। और साथ ही साथ मैम, हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे PLP दे, और साथ ही साथ हमारी स्थानांतरण गृह ग्राम से 8 किलोमीटर के दायरे में हमको ट्रांसफर। ऐसा नियम था कि जब आप लोग फॉर्म भरे थे कि आप अपने निवास स्थान से जो है 8-10 किलोमीटर की दूर में आपको पदस्थ किया जाएगा? मैम, ये था कि हेडक्वार्टर से आप 8 किलोमीटर के दायरे पे आप रह सकते हैं, ऐसा लिखित था उसमें? हाँ, ये हमारे पॉलिसी में है। मैम, अभी मेन का आजकल बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, हमारे सीचों के साथ बहुत सारे रेप मतलब बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए कम से कम उनको ट्रांसफर पॉलिसी देनी चाहिए। साथ साथ हमारे एक सीनियर सर हैं जो पवन वर्मा सर हैं, उनको जो लास्ट टाइम अवार्ड उठाए थे, तो उन्होंने उनको मतलब जॉब से वो अलग कर दिया, हटा दिया, जिसके लिए हम उनकी बहाली चाहते हैं। जी, मेरा नाम ऋषु गुप्ता है, मैं ब्लॉक पाटन से हूँ, HWC कुंबली से हूँ। मेरा कहना ये है कि हम अपने ही पैसों को मांगने के लिए आज रोड पे आ गए हैं, अपना पैसा जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम इतने दूर दूर से काम करने के लिए आते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हाँ हम आ रहे हैं, आप हमारा काम को देखें, हमारा परफॉर्मेंस को देखें, उसके बावजूद भी आप हमको उस पेमेंट को नहीं करते जो हमारा अधिकार है। दूसरी बात ये है कि जो हम यहाँ के इस जिले के दुर्ग जिले के होके लोग कांकर में ड्यूटी कर रहे हैं, राजनांदगांव में ड्यूटी कर रहे हैं, 150-200 किलोमीटर ड्यूटी करने जा रहे हैं, अपने घर को छोड़ के अकेले जा रहे हैं, आज उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ना घर परिवार जा पाएगा, ना उनका परिवार जल्दी पहुंच पाएगा, ना वो हम तक आ सकेंगे, तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हमको स्थानांतरण की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमको यही लाभ चाहिए कि सबसे ज्यादा लेडीज को जो है वो स्थानांतरण की जरूरत है। स्थानांतरण मिलने से क्या लगता है, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है? जी मैम, जी बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि वो अपने घर के पास रहेंगे, 8 किलोमीटर के दायरे पे रहेंगे, तो घर परिवार वाले भी उनसे बातचीत करते रहेंगे, बराबर उनका आना जाना होता रहेगा, अगर कुछ होगा तो हम तुरंत उनको इन्फॉर्म करके बुला सकते हैं, है ना।
अगर अगर कुछ हो जाता है 150 किलोमीटर पे तो इसकी जिम्मेदारी शासन लेता नहीं है, ना प्रशासन लेगा, ना कोई भी नहीं ले सकता। और ये सब दुर्घटना होने के बाद ही पता चलता है कि ये सब चीज हो गया है। बहुत सारी आजकल हो रहा है, कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा होता है, मारने की धमकी देते हैं बहुत मैम, बहुत सारे ऐसे केसेस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन देता धमकी मैम? वहीं पे रहने वाले लोग हैं जो दूर दूर से जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये बहुत दूर से आए हुए हैं, तो उनको मारने की धमकी दिया जाता है। रेप का केसेस हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंटल हो रहा है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। रेप किसी के साथ हुआ, गलत कृत्य हुआ किसी से? मैम अभी हो चुका है मैम, लेकिन मतलब इस यहाँ का नहीं है, यहाँ के केसेस मोस्टली नहीं आए हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के हैं मैम, लेकिन मतलब अभी यहाँ के केसेस नहीं है। तो उस केस से, उस सदमे से आप लोग डर में है मैम? डर में हर एक लेडीज है यहाँ पे, क्योंकि दूसरी बात परिवार है, वो छोड़ के जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए इतना दूर दूर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, तो उनके लिए भी वो रिस्क है कि अगर कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी आप कितने दिन के लिए बैठने वाले हैं मैम? ये तो अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। बैठ गए जब उठेंगे, जब हमारी कार्य पूरी होगी, हमको आश्वासन दिया जाएगा। तीनों सूत्री मांग के साथ नहीं उठेंगे, काम में भी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे मतलब मरीजों को भी हम नहीं देखेंगे मैम। अब कुछ चीजें हमारी, तो हमको, हम चाहते ही नहीं है कि उनको परेशानी हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी हो जाए तो हम वापस चले जाएंगे। अच्छा, अपना परिचय बताते हैं। करंजा भिलाई में पदस्थ हूँ। क्या चाह रहे हैं आप? मैम हमारी जो मुख्य तीन मांगे हैं वही पूरी हो जाए मैम, और बस कुछ नहीं चाहते। इस मांग को लेकर जब आप लोग धरने में बैठे तो आप लोग को साथ कौन दे रहे हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, और उसी के बैनर तले आज हमने ये धरना प्रदर्शन। ये अनिश्चितकालीन क्या पूरे छत्तीसगढ़ में कि सिर्फ दुर्गा बस में? पूरे छत्तीसगढ़ में है। और अभी यहाँ पर आप लोग को कौन साथ दे रहे हैं, सहयोगी बन के कौन है आपके संगठन में, और अदर संगठन के लोग साथ दे रहे हैं आपको? मैम ये जो छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जितने भी अध्यक्ष है, प्रांताध्यक्ष, सब हमारे साथ हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और उनके सहयोग के लिए संगठन के जो प्रदेश स्तर के जो दुर्ग जिला के जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। जी सत्येंद्र, बताइए कि किस तरह का सहयोग आप लोगों के द्वारा इन बच्चियों के साथ किया जा रहा है? मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता। हम तन मन धन से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का सहयोग कर रहे हैं इनके हड़ताल में, आंदोलन में। जिस भी तरीके से इनको जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे और तैयार रहेंगे। अभी जिन तीन सूत्रियों मांगों को लेकर चल रहे हैं, क्या वो जायज है? हम इनके द्वारा जो तीन सूत्री मांग किया जा रहा है, तीन दिन पहले से किया जा रहा है। पहले चरण में इनके द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग बंद किया गया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। इसका मजबूर होके इतना हम लोग पीड़ित पानों के सेवाधर लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते हड़ताल करें, रोड में आए ताकि किसी मरीज को या किसी भी पब्लिक को परेशानी हो, लेकिन हम लोग मजबूर होके हम लोग को आके यहाँ पर आंदोलन करना पड़ा है। एकदम जायज मांग के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो आप लोग उनके सहयोग के लिए उतरे? बिल्कुल सहयोग। जी आप बताएंगे। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का संभागीय अध्यक्ष अजय नाथ। सहयोग की बात, ये हमारा अंग है, हमारा ब्रांच है। आपको मैं बता दूं कि जब से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जैसे पद का रचना सृजन हुआ है, आज प्रदेश में मृत्यु दर, बाल शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ी है। और इनकी मांगे क्या है? तीन मांग जो जायज, शासन ने खुद घोषणा किया था कि कार्य के अतिरिक्त जो मानदेय इनको हर 15 तारीख को मिलना चाहिए, आज दिनांक तक नहीं दे रहे हैं, सही समय में नहीं दे रहे हैं। क्या कारण आता है सामने? बजट का कारण हो सकता है। शासन के पास ऐसा अतिरिक्त बजट है, और इन लोग का बजट कितना ही बनता है। और दूसरी बात, इनके द्वारा RBSY कार्ड से, प्रसव से जो मिलने वाली जो स्मार्ट कार्ड की जो राशि है, उस राशि के भुगतान तो करना पड़ता है इन लोग को, अतिरिक्त बजट की कहां उसके तो पड़ती है। उनके बाद भी शासन सही समय में नहीं देना, ये प्रशासनिक ताना सही हो। तो क्या क्या लगता है प्रशासन को, इनके पोस्ट का अगर परवाह नहीं है, इनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं, कई जगह 1.5 साल तो कई जगह 5 महीने का इन लोगों का जो परेशानी इन लोग झेल रहे हैं, तो क्या सरकार इन लोगों को अनदेखी कर रही है? तो क्या चाह रही है सरकार, चाह रही है कि इन लोग घर बैठ जाए? मैं बता दूं, जहां ताना सही होता है, श्रम का शोषण होता है, अन्याय होता है, तो निश्चित विरोध होता है। इनकी कदापि मंशा नहीं है कि हड़ताल में जाए, क्योंकि जानते हैं इनके हड़ताल में जाने से यदि किसी को नुकसान होता है तो सिर्फ जनमानस को। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर के बाद भगवान हैं लोग, जो हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का देखभाल करते हैं, और तो इनके पास के बात नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं,
अपनी विधा के अनुरूप सारी सेवाएं देते हैं, तो शासन को सोचना चाहिए जो इतना अच्छा सेवाएं दे रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य की जो ये है ग्राफ बढ़ी है, सेवाओं की ग्राफ बढ़ी है, गुणवत्ता ही है, तो ऐसे गुणवत्ता से काम करने वाले कर्मचारियों को अधिकारियों को सही समय में मान देनी। सर बहुत सारे बच्चे जो है ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कोई वैकेंसी आए तो हम भी अपना फॉर्म डालें और हम भी अपनी करियर की जो हम जो ड्रीम देखते चले आए उसको पूरा कर सके। तो क्या लगता है वैकेंसी वगैरह कुछ आने का चांस? बिल्कुल वैकेंसी आएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, जिला चिकित्सालयों का बेड बढ़ रहा है, 400 से 450 हो रहा है, कई 100 से 200 हो रहा है, और प्रति बेड के हिसाब से जो शासन का रेशियो है कि 100 बेड के अस्पताल में कितना डॉक्टर होना चाहिए, कितना स्टाफ नर्स होना चाहिए, कितना टेक्नीशियन होना चाहिए, कितना रेडियोग्राफर होना चाहिए, कितना वार्ड बॉय होना चाहिए, कितना वार्ड आय होना चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए वैकेंसी निकलेगी और यहाँ के जनमानस के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा शासन की योजना। वैकेंसी निकलने के लिए तैयारी तो है, लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको पेमेंट सही समय में नहीं देने का इसकी जवाबदारी नहीं है। शासन की योजना है, बहुत सारी मतों से चल रहा है, कोई जीवन दीप समिति की योजना स्थानीय समितियों से चलता है, कोई NHM के माध्यम से होता है, कोई कलेक्टर फंड के MDF मत से होता है, कोई शासन। तो सर इनकी इनकी जो धरना प्रदर्शन है आपको क्या लगता है, जो सीनियर है आप क्या लगता है कितने दिन में इनकी मांगे पूरी हो पाएगी? इनकी मांगे शासन को पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आज तो प्रथम दिन है और जब तक इनके जो LPL की मांगे पूरी होगी लोग से मेरे ख्याल से बाइंड अप भी नहीं करेंगे। और इनके लिए हम पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का अमला जिनकी संख्या 3.5 से 4 लाख है इनके साथ निश्चित है, इतना बड़ा मिला कोई पीछे नहीं हटेंगे, कोई नहीं पीछे हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो वेट कर रहे हैं शासन की निर्णय के, नहीं करेगा तो हम लोग साथ रहेंगे। बहाल कुछ ना कुछ बहाल हो, कुछ तो हो गई जी। थैंक यू। अभी देखे जिस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारी जो है यहाँ पर सड़क में अपनी लड़ाई अपनी जंग को लड़ने के लिए स्वतः यहाँ पर पहुंच गए हैं, ऐसे में क्या लगता है सरकार इनकी बातें सुनते हैं जो 5 महीना से ये अपने अधिकार के चीजों को मांग रहे हैं, अभी इनकी मांगे इस कदर बढ़ गई है कि ये सड़क में आ गए हैं, तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से सरकार इनको रोक पाएगी? क्या इनकी हड़ताल जो है लंबे समय चलेगी? बहुत कुछ सवालों के साथ ये खबर आप तक पहुंची है। हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।